Hello friends and welcome to the Exams Made Simple and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 26th of April 2021. तो छब्बीस अप्रैल दो हज़ार इक्कीस का द हिंदू न्यूज़ पेपर एनालिसिस देखेंगे शुरू करने से पहले आपको इन्फॉमेसन दे दूँ कि हमने यूपीएससी की करंट अफेयर्स रिविजन सीरीज स्टार्ट की थी लगभग छियालीस से सैंतालीस लेक्चर उसमें कम्प्लीट हो चुके हैं जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जिनको लगता है कि उनका करंट अफेयर्स वीक रह गया या आपको द मार्क नहीं रह गया लेकिन ज्वाइन दैट सीरीज़ फॉर अ रिविजन परपज एज वेल एज फॉर गेटिंग सम अन नोन फैक्ट्स नोन ठीक है ना तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लिंक्स नीचे दिए डिस्क्रिप्शन कमेंट में वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं साथ ही सी सैट का भी कोर्स हमने स्टार्ट

dusarate is a species non-native to the ecosystem under consideration and whose introduction causes or is likely to cause a harm. Tisra hai, it is a species that has a disproportionately large effect on the communities in which it occurs and chotha, d option hai, it is the species which is introduced to reduce the level of pollution in an ecosystem. question number two e-waste contains potentially harmful materials such as अब आपको देखो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि ई e वेस्ट की कैटेगरी में कौन कौन सा आता है तो फर्स्ट इज़ जैसे ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट सेकेंड इज़ फॉस्फोर्स सी इज़ कैडमियम फोर्थ इज बेरिलियम फिफ्थ इज़ लेड अब आपको देखना है कि इसमें ई e वेस्ट की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं वन थ्री फोर फाइव टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फाइव या वन टू थ्री फोर फाइव क्वेश्चन नंबर थ्री इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइफ फॉर्म्स अब यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है एपिफाइटिक ऑर्गेनिजम्स uh, uh, के बारे में लिखा है प्लांट्स प्लान्टिच डराइव न्यूट्रिय फ्रॉम फनजाय दैट आर अटैच टू द रूट्स ऑफ अ वेस्कुलर प्लांट सेकेंड इज टेरिस्ट्रियल टेरिस्ट्रियल लिखा है प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड एंड क्लाइंबर्स थर्ड इज माइक्रोट्रोट्रॉपिक यानी कि प्लांट्स ग्रोइंग ऑन अनदर प्लांट्स अब आपको बताना है कौन सा करेक्टली है टू ओनली वन एंड टू ओनली टू एंड थ्री ओनली या वन टू एंड थ्री तो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस फॉर यू टुडे प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो आंसर करने की कोशिश करिएगा अब सबसे पहले मैं आपको फ्रंट पेज की न्यूज़ आइटम्स बता दूं है ना फ्रंट पेज के न्यूज आइटम्स बता दूं जो दूसरे वेबसाइट्स और दूसरे न्यूज अलग अलग, अलग जगहों से मैंने ली है पहली जो न्यूज़ है वो है गैम्बिया रिसेंटली बिकेम द सेकंड अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट ट्रैकोमा तो गैम्बिया जो है वो दूसरी ऐसी कंट्री बन गई है अफ्रीकन रिपब्लिक की जिसने कि ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर दिया है ठीक है ना दिस इज़ अ फैक्ट दूसरी जो इसमें इन्फॉर्मेशन ये है कि पहली कौन सी कंट्री थी तो पहली कंट्री जो थी वो थी घाना घाना वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट बेसिकली योर ट्रैकोमा फ्रॉम इन द अफ्रीकन रिपब्लिक ये आपको याद रखेगा एंड ट्रैकोमा इन्फेक्शन जो है इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द आईज़ ये याद रखिएगा ट्रैकोमा एक ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ट्रैकोमा इन्फेक्शन है कहाँ का इन्फेक्शन है ना तो ट्रैकोमा इन्फेक्शन ऑफ द आईज ये याद रखिएगा दिस इज ऑफ द आईज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इन द नाइनटीन फिफ्टीज उन्नीस सौ पचास से लेकर के अभी तक का जो सबसे बड़ा कॉज रहा है ब्लाइंडनेस का इंडिया में वो ट्रैकोमा ही रहा है तो दिस इज़ कई लोग क्या है ट्रैकोमा को जैसे रिस्पायरेटरी uh, डिसीज़ समझता है अगर नहीं बताओ तो रेस्पायरेटरी डिसीज़ समझेंगे बट याद रखेगा कि ट्रैकोमा इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया एज वेल एज वेल एज इन अफ्रीकन रिपब्लिक्स तो ये आइज़ का इन्फेक्शन होता है ट्रैकोमा एंड गैम्बिया हैज़ रिसेंटली बिकेम द सेकेंड अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट ट्रैकोमा और गैम्बिया से पहले घाना थी ठीक है ना सेकेंड जो न्यूज़ है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है छब्बीस अप्रैल यानी कि आज के ही दिन ट्वेंटी सिक्स अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे अब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो सेलिब्रेट होता है वो वाइफो के अंतर्गत होता है यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत सेलिब्रेट किया जाता है तो आपको थोड़ा वाइपो के बारे में बता दूँ वाइपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी है सबसे पहला फैक्ट यही आपको याद रखना है कि यूपीएससी अगर आपसे पूछेगा तो एक स्टेटमेंट तो यह

ठीक है ना एंड वाइपो को क्रिएट क्यों किया गया था टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी याद रखिएगा टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अक्रॉस द वर्ल्ड बाय कोऑपरेटिंग विद कंट्रीज एज वेल एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑपरेट करना कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉपोरेट करना एंड उसके साथ साथ इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना एंड प्रमोट करना जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किस किस तरीके से होती है आपको पता होना चाहिए जैसे कि कॉपी होता है है ना कॉपी एक तरीका हो गया फिर एक तरीका हो गया आपका पेटेंट्स का एक तरीका हो गया पेटेंट हो गया कॉपी हो गया ट्रेडमार्क हो गया ट्रेडमार्क भी आपको पता होना चाहिए ट्रेडमार्क होता है फिर दो ट्रीटीज़ हैं आप सबको पता होगा ट्रिप्स एंड ट्रिप ट्रिम्स वो लेकिन डब्ल्यू के अंदर हैं ट्रिप्स और ट्रिम्स अगर आप सबको पूछे वो डब्ल्यू के अंतर्गत की ट्रीटीज़ हैं ये भी याद रखेगा ठीक है अब 1967 में ये बना था इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 1970 से याद रखिएगा इट बिगैन ऑपरेशन फ्रॉम ट्वेंटी अप्रैल 1970 इसीलिए इसी ट्वेंटी अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में मनाया जाता है ट्वेंटी अप्रैल 1970 से ही स्टार्ट हुआ था इसका फंक्शन करना और जो कन्वेंशन था जिसने कि वाइपो बनाया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कन्वेंशन जो था वो फोर्स में आया था नाइनटीन सेवेंटी अप्रैल को इसीलिए छब्बीस अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में मनाया जाता है ठीक है ना अब इसका हेडक्वार्टर मैंने बता दिया जेनीवा स्विट्जरलैंड में और ये एक रिपोर्ट भी निकालता है और इस रिपोर्ट को हम बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट हर दो साल में ये रिपोर्ट निकाली जाती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट हर दो सालों में निकाली जाती है दिस इज़ द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन अगली जो न्यूज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है टफ़ कोरल्स के बारे में मतलब कि अभी रिसेंटली की स्टडी की गई है जिसने कि ये बताया कि कोरल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा वो कई बार क्लाइमेट चेंज को भी विदस्टैंड करते हुए आए हैं मतलब उनका पास भी अगर आप देखो और आगे भी देखोगे तो दे मिनी कोरल्स कैन विद स्टैंड क्लाइमेट चेंज ओइंग टू द इम्प्रेसिव प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग रॉक हार्ड स्केलेटन तो वो क्या करते हैं रॉक हार्ड स्केलेटन्स बना लेते हैं एंड बाई दिस प्रोसेस दे विद स्टैंड द क्लाइमेट चेंज ठीक है ना विद स्टैंड करते हैं क्लाइमेट चेंज को अब यहाँ पे स्टडी हुई थी uh, स्टडी हुई थी स्टाइलोफोरा पिस्टिलाटा की विच इज कॉमन स्टोनी कोरल याद रखिएगा स्टोनी कोरल है ये है ना इट इज वन ऑफ द हार्ड कोरल स्टोनी कोरल्स है स्टाइलोफोरा uh, पिस्टिलाटा याद रखिएगा अगर आपसे कोई पूछे कि स्टाइलोफोरा पिस्टिलाटा है क्या स्टाइलोफोरा पिस्टिलाटा है क्या तो इट्स अ स्टोनी कोरल इसकी स्टडी की गई थी इंडो पैसिफिक रीजन में जिसने कि ये रिवील किया है कि कोरल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ बायोमिनरल कंटेनिंग हाईली ऑर्गेइज ऑर्गेनिक मिक्स ऑफ प्रोटीन

ये जो प्रोसेस होती है ना जिसमें कि वो खुद को हार्ड कोरल स्केलेटन में कन्वर्ट कर लेती है ये बायो मिनरलाइजेशन की प्रोसेस होती है ठीक है ना बायो मिनरलाइजेशन की प्रो प्रोसेस होती है और इसी बायो मिनरलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू जो कोरल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है और दूसरा इस को, कोई डिटरेंट uh, कंडीशन है तो उसको फेस करते हैं तो बायो मिनरलाइजेशन इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस दैट लेट लेट टू द फॉर्मेशन ऑफ हायरार्कली स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल जनरेटेड बाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोन्स एंड टीथ तो शेल्स बोन्स एंड टीथ के फॉर्मेशन का ये सारी चीज़ों का जो रीज़न है वो बायोमिनरालाइजेशन है उसकी स्टडी को ही हम बायोमिनरालाइजेशन बोलते हैं अब कोरल्स के बारे में आप सबको ये पता होना चाहिए कि कोरल्स जो होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म से बनते हैं जिनको पॉलिप्स बोला जाता है ठीक है द कोरल्स आर मेड फ्राम द जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पॉलिप्स एंड इन पॉलिप्स के अंतर्गत माइक्रोस्कोपिक एल्गी होते हैं जिसको हम जूजे

कोरल प्रोवाइड करता है जूज एंथले को कंपाउंड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस कोरल्स जो हैं ये कोरल्स प्रोवाइड करते हैं जूज एंथले को द कंपाउंड्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस और रिटर्न में जूज एंथले क्या करता है जूज एंथले फोटो की प्रोसेस को कंप्लीट करता है इन कंपाउंड्स की मदद से और उसको कलर प्रोवाइड करने का काम करता है द कलर्स ऑफ द पॉली द कलर्स ऑफ द कोरल्स आर बिकॉज ऑफ द जूज एंथले एंड इसीलिए जो कोरल्स इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सीज भी कहा जाता है काफी ज्यादा इसमें बायोडावर्सिटी रहती है तो रेन फॉरेस्ट ऑफ द सीज भी इनको कहा जाता है तो दीज आर द इंपॉर्टेंट

दूसरा सवाल तो मैंने पूछा था ई वेस्ट तो सारे के सारे ही ई वेस्ट टीकर की कैटेगरी महंगा आंसर होगा डी और तीसरा सवाल पूछा था लाइफ फॉर्म्स के रिगार्डिंग एपिफाइटिक और माइको जो है वो उल्टा लिखा हुआ है इसलिए वो करेक्टली मैच नहीं है मतलब जो एपीफाइटिक में लिखा है वो माइको में लिखना चाहिए और जो माइको में लिखा है वो एपीफाइटिक में एपीफाइट एक्चुअली एपिफाइट्स क्या होता है मैं बता देता हूँ एपीफाइट्स जैसे कि जैसे मान लो कोई दूसरे पेड़ का सहारा लेके जो चढ़ते हैं दे एक्चुअली टेक द सपोर्ट ऑफ अनदर प्लांट दे ग्रो ऑन अनदर प्लान ठीक है ना तो फाइट्स कलाते हैं तो ये इसका आंसर होगा ए टू ओनली तो करेक्टली केवल दो दूसरा मैच है टेरिस्ट्रियल बाकी गलत है तो ए विल आंसर फॉर दिस कम टू द मैप पार्ट टुडे Uh, जो मैप आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैप है आज का एक्चुअली uh, में मैंने लिया सऊदी अरेबिया और जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं उनका मैप लिया ठीक है ना सऊदी अरेबियन सराउंडिंग कंट्रीज़ का अपन ने मैप लिया है तो लेट्स वन बाय वन कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं सबसे पहली बात तो सऊदी अरेबिया का मैप क्यों लिया मैंने सऊदी अरबिया देखो एक इंपॉर्टेंट कंट्री है यमन के साथ हमेशा वॉर में रहती है और यमन अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है तो हो सकता है यमन से इतने क्वेश्चन नहीं बनेंगे जितने कि सऊदी से बनेंगे तो सऊदी और यमन दोनों ही मैं आज आपको मैप बताऊँगा सबसे पहले सऊदी अरेबिया देखो दो बहुत ही असेंशियल वाटर बॉडीज़ के बीच में है सऊदी वाला पार्ट ये है सऊदी अरेबिया पूरा सऊदी अरेबिया ये पूरा है इसके दो वाटर बॉडीज़ हैं एक तो इसके जो ईस्टर्न पार्ट है इसका उस वहाँ पर आपको पर्शियन गल्फ़ मिलेगा ईस्टर्न पार्ट में पर्शियन गल्फ़ मिलेगा और वेस्ट पार्ट में आपको रेड सी मिलेगा ठीक है ना ईस्टर्न पार्ट में, में पर्शियन गल्फ और वेस्टर्न पार्ट में रेड सी मिलेगा आपको ठीक है ना थोड़ा सा मैं इसमें फी, फिजिकल फीचर्स भी बताऊंगा इस मैप में फिजिकल फीचर्स भी हैं तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं जैसे कि आपको यहां दिख रहा होगा रूबल खली रूबल खली दो एम्प्टी क्वार्टर बोलते हैं इट्स अ डेजर्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेजर्ट ठीक है ना तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेजर्ट है रूबल खली नाम का ठीक है ना रूबल खली नाम का देन आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ों की जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको असीर uh, माउंटेन्स दिखेगा असीर माउंटेन्स भी आपको मतलब कि सऊदी अरेबिया में दिखेंगे तो अगर आपसे कोई पूछे कि असीर माउंटेन्स कहाँ पर है तो सऊदी अरेबिया में है ठीक है ना देन आपको हिजाज माउंटेन हिजाज माउंटेन्स दिखेंगे ठीक है ना अल अन नफूद डेजर्ट अन नफूद डेजर्ट इज अनदर पार्ट विच इज देयर इन दिच इज देयर इन द सऊदी अरेबिया ठीक है ना इसको याद रखेगा डेजर्ट ठीक है ना? याद रखेगा अब यहाँ पे कुछ हम इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट इसके बॉर्डरिंग uh, कंट्रीज है तो सबसे ऊपर आपको यहां पे जॉर्डन दिख रहा होगा यू मस्ट बी सीइंग द जॉर्डन इन द अपर मोस्ट पार्ट यहां पे जॉर्डन दिख रहा होगा ठीक है ये जॉर्डन वाला पार्ट है देन यहां पे इराक सेकंड कंट्री जो है पे बॉर्डर शेयर कर रही वो है इराक ठीक है ना सीरिया से बॉर्डर टच नहीं होता ये आपको याद रखना है कि सीरिया से सऊदी का बॉर्डर टच नहीं होता है ठीक है ना कन्फ्यूज मत हो जाएगी कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन के चक्कर में अपन मार कर देते हैं बट सीरिया से सऊदी का बॉर्डर टच नहीं होता है जॉर्डन ऊपर टच करता है देन इराक टच करता है सेम गोज विद द इजिप्ट ऑल्सो इजिट भी कई लोगों को लगता है कि बॉर्डर टच होता है बट इजिप्ट में केवल मेरी टाइम बॉर्डर टच होता है इजिप्ट से इनकी लैंड बॉर्डर टच नहीं होते हैं ठीक है ना तो बॉर्डर कहाँ कहाँ हो गया जॉर्डन हो गया इराक हो गया फिर तीसरा कुवैत हो गया जैसे कैपिटल कुैत सिटी आपको दिख रही होगी कुत इज द थर्ड कंट्री जो शेयर करती है बॉर्डर ठीक है ना जॉर्डन इराक एंड कुवैत हमने तीसरा देख लिया देन आपको नीचे दिख रहा होगा कतर दिस इज़ द कतर फोर्थ कंट्री जो यहाँ पे कतर है बॉर्डर शेयर करती है कतर इज़ द फोर्थ कंट्री शेयरिंग बॉर्डर विद सऊदी अरेबिया देन यू संयुक्त तो अरब अमीरात जिसको बोलते हैं यू आपको यहाँ पे कंट्री दिख गई यू ए दिस इज़ अगेन शेयर्स बॉर्डर विद द सऊदी देन यहाँ पे आपको ओमान दिख रहा है ओमान इज अनदर कंट्री विद शेयर्स बॉर्डर विद यू सऊदी अरेबिया ओमान एंड देन यहाँ पे यमन हो गया तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं बॉर्डर शेयर करने वाली जॉर्डन देन इराक देन कुवैत देन कतर यू ओमान एंड यमन दीज आर कंट्रीज जॉर्डन इराक कोवैत कतर यू ओमान यमन दीज आर द कंट्रीज़ दैट शेयर बॉर्डर विद द सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया में मैंने कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट जगह थे हिजाज माउंटेन बताया मैंने आपको रूबल खली बताया ठीक है ना रूबल खली बता दिया एंड रियाद ये कैपिटल यहाँ पे दिख रही होगी अल नफूद दिस इज़ द डेजर्ट दैट इज़ प्रेजेंट अन नफूद इज़ अ डेजर्ट और हिजाज माउंटेंस हैं रूबल खली एक डेजर्ट uh, ही है इंपॉर्टेंट है याद रखेगा ठीक है ना अब बारी आती है अपनी वाटर बॉडीज की तो पर्शियन गल्फ मैंने बता दिया रेड सी आपको बता दिया ठीक है ना और गल्फ ऑफ एडेन किधर है आप मुझे बताइए गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है और स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेव कहाँ पर है कुछ अगर ये फैक्ट्स अगर आप बताएं तो दैट विल बी गुड फ्रॉम योर साइड यहाँ पे ये मैप हो जाता अब दूसरा जो मैप मैं आपको दिखाना चाहता स्पेसिफिकली वो यमन का दिखाना चाहता था क्योंकि यमन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है यमन दो कंट्रीज कंट्रीजें जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है एक तो कंट्री हो गई सऊदी अरेबिया और दूसरी हो गई ओमान ठीक है ना तो यमन तो जो है अपना दो कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है एक सऊदी अरेबिया के साथ करता है और दूसरा ओमान के साथ करता है अब सऊदी यमन की कैपिटल यहाँ पर सना आपको दिख रही होगी दिस इज Sana'a this is the capital of uh, Yemen ठीक है ना यमन की कैपिटल क्या है सना यहाँ पे आपको दिख रही होगी और यहाँ पे मरीब नाम का आपकी जगह दिख रही होगी मरीब मरीब जगह दिख रही है मारिब मारब मरीब जो भी आप बोले तो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ मारब अगर आपसे कभी यूपीएससी मैप में ही दिखा के पूछ ले कि ये कौन सी जगह है तो आपको इतना तो होना चाहिए ना कि ये मारब है कि क्या ये तो है ये देखो यही इंपॉर्टेंट कुछ जगहें हैं ठीक है ना सना इंपॉर्टेंट हो गई मारिब हो गई तो अगर आपको ये पता है तो क्वेश्चन कभी ये भी पूछ सकता है कि मारब कहाँ पर है या मैज द कॉलम टाइप से पूछ सकता है तो वहाँ पर अपने को गलत नहीं करना है ठीक है ना और ये देखो एडन यहाँ पे जगह है एडेन एडन नाम की जगह भी है यहाँ पे आपको याद भी रखना है दिस इज़ अ प्लेस विच इज इम्पॉर्टेंट आप याद भी रख सकते हैं मेरी टाइम बॉर्डर यहाँ पे आप देख सकते हैं रित्रिया कंट्री है जिबूती यानी कि हॉर्न ऑफ आफ अफ्रीका वाला जो पार्ट है वो शेयर करता है मेरी टाइम बॉडर विद योर ये ठीक है ना तो ये मारिब और सना ज़रूर याद रखेगा दीज आर द इम्पॉटेंट लोकेशन फ्रॉम टू मैप आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस टू कंट्रीज कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा आगे मूव करते हैं न्यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी आ, एडिटोरियल सेगमेंट में आते हैं पहला जो एडिटोरियल है वो एंडेवर लीडरशिप एंड स्टोरी ऑफ अ नेशन यहाँ पर बेसिकली बात चल रही है रोल ऑफ इंदिरा गांधी एंड इंडिया इन द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश ठीक है ना तो सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि देखो अभी क्या है पचास साल पूरे हो गए नाइनटीन से नाइनटीन टू uh, में अगर आप देखो तो uh, आपके पचास साल पूरे हो जाते हैं पचास साल में मतलब कि एक अच्छा ग्रैंड सेलिब्रेशन होना चाहिए इस बार भी लेकिन ऑथर ने यह कहा कि लेकिन अगर आप ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हो बांग्लादेश के फॉर्मेशन का तो आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी जो रोल था उसमें इंदिरा गांधी का दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड शी वॉज एक्चुअली द आर्किटेक्ट है ना शी वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश आप कह सकते हैं कि शी वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑथर ने बताया कि 1971 एक ऐसा साल था जहाँ पे इंडिया ने फॉर्मेशन ऑफ आपका बांग्लादेश तो ठीक ही था वहाँ पे श्रीलंका में भी श्रीलंकन गवर्नमेंट को हेल्प की थी टू आउटकम टू ओवरकम अपोजिशन ग्रुप जिसको बोलते हैं जनता विमुक्ति पेरामुना याद रखेगा जनता विमुक्ति पेरामुना नाम का ग्रुप था जो विच वॉज अगेंस्ट द गवर्नमेंट जो वहाँ पे गवर्निंग गवर्नमेंट थी तो श्रीलंका में इस फोर्स को हराने में भी मदद की थी श्रीलंका की तो याद रखेगा इंडिया हेल्प्ड श्रीलंका टू तो डिफीड द ग्रुप जनता विमुक्ति पेरा पेरामुना ठीक है ना नाइनटीन सेवेंटी वन वो कंट्री ही जिसमें बांग्लादेश को हमने फॉर्मेशन में मदद की ठीक है ना और हमने तब तक एक्ट नहीं किया था जब तक पाकिस्तान ने हम पर अटैक नहीं किया था तो इट वॉज ओनली आफ्टर द अटैक ऑफ पाकिस्तान वी स्टार्टेड टेकिंग एक्टिवली पार्ट मतलब कि हमने मिलिटरी uh, मिलिटरीली अगर पार्ट देखा जाए तो तभी लिया था जब हमने जब हमारे ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया था उसके बाद डिप्लोमेटिक लेवल पे देखो इंडिया डिड नॉट एक्ट इंटायरली अलोन इंडिया अकेले नहीं था ऑब्वियसली बात है हमारी मदद की थी हम इसमें यू ने यानी कि सोवियत यूनियन जो था उस समय उसने हमारी मदद की थी जरूर एंड इट वॉज अ ट्रीटी इंडो सोवियत ट्रीट जो थी नाइनटीन अगस्त में साइन uh, की गई थी आप देखेगा इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी वॉज साइंड नाइनटीन अगस्त नाइनटीन and it it came as a shot in the the arm of for India encouraging it, uh, to stay uh, the course ना? ये काफी important चीज है जिसमें हमने इंडो uh, सोवियत के साथ treaty sign की थी 1971. तो ये भी एक याद रखना है आपको चीज कि इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी दी समय समयटी सेवनटी वन में साइन की गई थी ठीक है ना

एंड यहाँ पे एक देखो एक मार्च 1972 में इंडिया एंड बांग्लादेश साइन द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इंडिया और बांग्लादेश ने 1972 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की थी विद द बांग्लादेश ठीक है ना तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रहना चाहिए दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर इसके अलावा ऑथर ने उनका भी रोल बताया कि किस तरह से इंटेलिजेंस फोर्स नाइनटीन में जब बाइफर्केशन हुआ आई और रॉ के बीच में आई को बोला कि आप इंटरनल इंडिया के मैटर्स देखोगे रॉ को बोला कि आप फॉरन अफेयर्स और फॉरन रिलेशन ये सारी चीज़ें देखोगे तो इंडिया के इंटेलिजेंस फोर्सेस की भी काफ़ी तारीफ करनी चाहिए आईबी और रॉ की यहाँ पे ऑथर ने बोला 1968 में बाइफ़रकेशन के बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट दोनों ने काम किया एंड प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल बिहाइंड द सीन्स प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान आर्मी देर तो जो बांग्लादेश वाला रीजन था वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी का जो कोलैप्स था उसके पीछे काफ़ी लोग ने बिहाइंड द कहना चाहिए बार्स रह के काम किया बिहाइंड द स्क्रीन रह के काम किया एंड दीज और द इंटेलिजेंस फोर्सेज एंड दे शुड ऑल्सो वी थैंक फॉर दैट ठीक है ना And the time has also come to acknowledge the role of the Mukti Bahini, army the army of the Bangladeshi irregulars fashioned by the intelligence agencies. Mukti Bahini, who independence, of role. Kafi zada hai. These are the things which are important. And if we look at Bangladesh hum dekho, its annual GDP exceeds that of its erstwhile parent, Pakistan. Women empowerment has been a major catalyst in Bangladesh progress. And this is largely responsible for transforming the... कंट्री तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस uh, हमने एक कंट्री में किए हैं बांग्लादेश नाम की कंट्री में एंड दैट इज़ वेरी वेरी गुड दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं वो ग्रीन पार्टनरशिप दिस इज़ द आर्टिकल रिटर्न फॉर इंडिया एंड यू क्लाइमेट पैक्ट जो भी हुआ है अभी आप सबको तो पता है कि लीडरशिप सबमिट हुआ था जिसमें जो uh, बाइडन ने सबको इन्वाइट किया था वर्चुअली एंड यू इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा ट्वेंटी थर्टी पार्टनरशिप जो है जिसको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा ट्वेंटी थर्टी ठीक है ना यूएस एंड इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा ट्वेंटी थर्टी पार्टनरशिप रेजेज सी दमिंग फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन देखो मेन दो चीजों का हमको कॉपरेशन चाहिए कोई भी डेवलपिंग कंट्री जो है या फिर जो ऐसी कंट्री है जिसने इतना ज्यादा एमिशन नहीं किया है क्लाइमेट चेंज क्लाइमेटिक मतलब कार्बन एमिशन इतना ज़्यादा नहीं किया है उन कंट्रीज को दो चीज़ें चाहिए तभी वो दो कंट्रीज जो है वो कंट्रीज जो है वो अपना कार्बन अमीशन को कम करेंगी या न्यूट्रल होने की बात करेंगी। वो दो चीजें क्या है पहला तो है कि मनी ट्रांसफर करो आप पैसा दो उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो यू शुड रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करो ताकि वो कोल uh, और इस तरीके के जो भी uh, अलग अलग फॉसल फ्यूल्स हैं इनसे दूर होकर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा पाए तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो ये जो यूएस इंडिया क्लाइमेट क्लीन एनर्जी एजेंडा ट्वेंटी थर्टी पार्टनरशिप है इसका मतलब ही है कि अब मनी uh, ट्रांसफर तो होगा ही दूसरा दूसरा इधर आपका uh, वो टेक्नोलॉजी uh, ट्रांसफर भी होगा सो एट द लीडरशिप समिट ऑन क्लाइमेट ऑर्गनाइज बाई यू एस प्रेजिडेंट जो बाइडन द वर्ल्ड अटेंशन वॉज फोकस्ड ऑन कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइस्ट एमिशन तो जो कंट्रीज कार्बन एमिशन करती हैं उनके ऊपर फोकस था अब अगर आप देखो नॉर्मली अगर आप देखो तो इंडिया कंट्री वाइज थर्ड कंट्री है ग्रुपिंग्स uh, को भी इंक्लूड कर दोगे तो फोर्थ हो जाएगा मतलब कि यू एस नंबर वन पे है चाइना

अब ऐसे में ऑथर क्या बोल रहा है कि कई कंट्रीज़ बोलती हैं कि भैया आपने कार्बन न्यूट्रलिटी क्यों नहीं डिक्लेयर की भाई हमने डेवलपमेंट अभी तक किया नहीं इतने लेवल का और हमने हमारे कारण क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा या हमारे कारण नहीं हो रहा हमारी तो पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में हम बहुत कमिट एमिट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये इंडस्ट्रियलाइज इंडस्ट्रियलाइजनेशन की वजह से यू की वजह से यू की वजह से चाइना की वजह से रशिया की वजह से ठीक है ना हमारे कारण थोड़ी हुआ है तो ऑथर ने वो चीज़ें बताई कि इसी कारण से हम कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ अभी नहीं डिक्लेयर करें लेकिन हाँ दो चीज़ों की जरूरत ज़रूर पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि कार्बन न्यूट्रलिटी फ्यूचर में टू तक हम डिक्लेयर कर सकें तो इसके लिए दो जो चीज़ें चाहिए वो है एक तो मनी ट्रांसफ़र जो कि हंड्रेड बिलियन डॉलर का फंड उन्होंने डिक्लेयर किया था दूसरा आपका टेक्नोलॉजी uh, ट्रांसफर जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना चाहिए इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और सब्सिट्यूट टू बी प्रिसाइज सब्सटीट्यूट करना है अगर आपको फॉसिल फ्यूल्स को एंड कोल पावर्ड प्लांट्स को तो आपको ये चाहिए अब इंडिया ने ऑलरेडी टारगेट किया है फोर फिफ्टी गीगावाट का बाई ट्वेंटी थर्टी तक चार सौ पचास गीगावाट रीन्यूबल एनर्जी के लिए हमने बोला लेकिन हाँ इसके लिए भी हमको वही मनी प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए ठीक है ना एंड वी नीड टू डी कार्बोनाइज द इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट एंड बिल्डिंग ठीक है ना दीज आर द बिग एमीटर्स अपार्ट फ्रॉम पावर पावर सेक्टर के अलावा हमारे पास जो दूसरा अमीटर्स हैं ट्रांसपोर्ट हो गया बिल्डिंग हो गया ये दूसरे अमीटर्स हैं इनमें हमको कार्बोनाइ डी कार्बोनाइज करने की जरूरत है वी नीड टू डी कार्बोनाइज दीज ठीक है ना एंड इसके लिए वही दो चीज़ें चाहिए जो मैंने आपको बताया तो दिस पार्टनरशिप इज़ अ गुड इट्स अ इट्स अ गुड थिंग एंड हो सकता है प्रोबेबली फ्यूचर में uh, सारी चीज़ें आए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वी हो मनी ट्रांसफर वी हो एंड दीज आर द थिंग्स ब्रिटेन ने यहाँ पे बोला है दे विल कट द एमीशंस ब्रिटेन के टारगेट्स है दे विल कट द कार्बन अमीशंस बाय सेवेंटी एट परसेंट सेवेंटी एट परसेंट बाई ट्वेंटी थर्टी फाइव ओवर नाइनटीन नाइन नाइनटी नाइनटी लेवल्स तो उन्नीस के लेवल्स सेवेंटी एट में कर देगा ब्रिटेन कट कर देगा देन एडवांस एजेंडा फॉर कॉलिंग द क्लाइमेट फंडिंग बाय रिच नेशंस टू एक्सिड द डिकेड गोल ऑफ हंड्रेड बिलियन डॉलर तो ये गोल जो है ये कम्प्लीट होना चाहिए इसके अलावा यू एस ने भी कहा है कि दे विल कट द मिशन बाय फिफ्टी टू फिफ्टी टू परसेंट बाय ट्वेंटी थर्टी ओवर टू थाउजेंड फाइव लेवल्स थी ये कि एक इम्पॉर्टेंट ये भी अचीवमेंट ही है क्योंकि तो अभी तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर ये इस पार्टनरशिप के अंदर ही नहीं थे है ना एटलीस्ट जो बाइडन के आने से अच्छी चीज हुई कि वो आ गए और न केवल आ गए उन्होंने अपना गोल भी बताया सो दीज आर द थिंग्स तीसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वह है केस फॉर जुडिशियल फेडरलिज्म केस फॉर जुडिशियल फेडरलिज्म है क्या ये केस देखो अभी आ, एक 1989 का फेमस केस है परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1989 तो सुप्रीम कोर्ट ने अंडरलाइन की थी द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ्स एंड सेड दैट द राइट टू इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स मतलब कि जो पार्ट ऑफ द राइट टू इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है ये पार्ट है सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का ठीक है ना कंस्टिट्यूशनल कोर्ट्स ओवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दिस राइट कंस्टीट्यूशनल कोर्ट जो है उसकी ड्यूटी है कि वो इस राइट को प्रोटेक्ट करके रखे परमानंट कटारा केस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया अब ऑथर ने पे बोला कि इसमें गुजरात हाईकोर्ट जो स्टेट्स के हाईकोर्ट है काफी अच्छा रोल प्ले कर करें फॉर एग्जाम्पल गुजरात हाईकोर्ट इशूड सीरीज ऑफ डायरेक्शन इंक्लूडिंग द लेबोरेटरी टेस्टिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑक्सीजन नागपुर बेंच ने भी बोला कि बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर बेंच ने भी बोला कि दैट नाइट सिटिंग्स होल्ड करना है टू कंसिडर द इशू ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई एंड इट डायरेक्टेड इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई दैट हैज रिड्यूस्ड है ना तो फ्रॉम द भिलाई प्लांट छत्तीसगढ़ तो जो ऑक्सीजन सप्लाई होती थी भिलाई प्लांट से उसको तुरंत रिस्टोर करवाया फिर डेली हाँ कोर्ट ने भी जैसे डायरेक्शन इशू किए तो इंश्योर एडिक्वेट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑल तो अलग अलग स्टेट्स अपनी ड्यूटी को पूरा भी कर रहे हैं अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ऑर्डर किया रिसेंटली uh, कुछ ऐसी चीज़ें बोली जिसके थ्रू ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट इज ट्राइंग टू असर्प दीज दीज डायरेक्शंस एंड नाउ दे आर ट्रांसफरिंग ऑल द केसेस टू सुप्रीम कोर्ट मतलब कि जो भी कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड ऑक्सीजन सिलेंडर से रिलेटेड केसेज हैं वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट खुद के पास ट्रांसफर करना चाहती है कैन दे डू इट कॉन्स्टिट्यूशनली यस दे कैन डू इट अंडर आर्टिकल वन थर्टी नाइन ए याद रखेगा अंडर आर्टिकल वन थर्टी नाइन ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर टू ट्रांसफर केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट्स टू इट सेल्फ इफ केसेज इन्वॉल्व द सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो आर्टिकल वन थर्टी नाइन ए के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो सारे केसेस को ट्रांसफर कर ले। लेकिन विल दैट बी अ राइट थिंग टू डू यहाँ पे यही आर्टिकल इस इस बात के ऊपर लिखा गया है आर्टिकल जो लिखा है वो इस एक टर्म के ऊपर लिखा गया है जुडिशियल फेडरलिज्म याद रखिएगा जुडिशियल फेडरलिज्म फेडरिज्म का कंसेप्ट आपको पता होगा है ना फेडरलिज्म का कंसेप्ट जैसे स्टेट्स की पावर होती है स्टेट्स सेपरेट होते हैं अलग से काम करते हैं है ना मतलब कि मोस्ट ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर्स रहती हैं स्टेट्स के पास भी रहती हैं रिगार्डिंग दैट टेरिटरी रिगार्डिंग दैट एरिया सेम गोज फॉर द जुडिशरी एज वेल जुडिशरी को भी फेडरलिज्म के फीचर्स को शो करना चाहिए अगर आप इतनी कंसनट्रेटेड जुडिशरी रखेंगे कि कोई पावर उनके पास नहीं रहेगी सो दैट इज दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द जुडिशरी टू ऑपरेट सो दिस इज दिस शुड नॉट Has happened, has happened, यह नहीं होना चाहिए इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड अगर आप असर्व कर लेते हो पावर की बाई ट्रांसफर इन द केसिसीचर्स आर अनहेल्दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्जीक्यूटिव जुडिशरी अनहेल्दी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जुडिशरी दीज आर नॉट वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेकिंग ओवर दावर्स ऑफ द हाई कोर्ट ठीक है ना सो दैट इज़ अ थिंग एंड रिसेंटली जो अलग अलग बार एसोसिएशन हैं उन्होंने भी ये बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए सो दिस इज़ अ गुड थिंग दैट प्रमोट्स एक तरीके से जुडिशल फेडरिज्म को प्रमोट कर रही है इसके साथ ही अगर आप देखें कि ऑथर ने यह भी कहा है कि अगर आप देखो तो आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स जो है मतलब कि जो रिट वाली पावर है हाई कोर्ट्स की वो ज़्यादा ब्रॉड है देन दैट ऑफ आर्टिकल थर्टी टू यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिट की पावर है तो हाई कोर्ट की रिट की पावर ज़्यादा ब्रॉड है क्योंकि वो रिट्स फंडामेंटल राइट्स प्लस दूसरे केसेज में भी इशू कर सकते हैं बट सुप्रीम कोर्ट तो केवल फॉर केवल फंडामेंटल राइट्स के केस में कर सकता है इस कारण से अगर आप देखो तो हाई कोर्ट्स की रिट पावर ज़्यादा ब्रॉड है ऐसे में हाई कोर्ट्स को आप फ्रीली ऑपरेट करने दीजिए अदरवाइज Otherwise it will become very difficult for the judiciary to operate. This is the thing which has been said in the article. I hope you got clarity. वॉट इज़राइल वॉन्ट्स इन सीरिया अब यहाँ पर इसराइल और सीरिया के बीच में अटैक चलता रहता है बशर अल असद जो कि सीरिया के कहना चाहिए लीडर हैं प्रेसिडेंट हैं उन्होंने लगभग सीरियन वॉर जीत लिया है सिविल वॉर एंड uh, इडलिब और कुर्दिश टेरेटरीज को अगर आप छोड़ दो तो रेस्ट ऑफ द सीरिया उनके कंट्रोल में है इडलिप एक जगह है जो कि सीरिया में है इडलिप जगह याद रखना है ना पूछ सकता है मैज द कॉलम में इडलिप इज़ अ प्लेस विच इज़ देयर इन uh, इडली इज़ अ प्लेस विच इज़ देयर इन सीरिया एंड उसको छोड़ करके और कुर्दिश टेरेटरीज़ को छोड़ करके बसर अल असद ने लगभग सारी कंट्रोल कर ली है अब यहाँ पे बात ये कि सीरिया को हेल्प कहाँ से मिल रही है सीरिया को हेल्प मिल रही है ईरान से इसके अलावा सीरिया को हेल्प मिल रही है रशिया से ठीक है ना और लेबनीज हज़बुल्ला ग्रुप जो है लेबनीज हज़बुल्ला ग्रुप है वहाँ से तो हज़बुल्लाज को किस कौन मदद कर रहा है हज़बुल्ला को को भी मदद कर रहा है ईरान है ना तो ईरान जो है वो मदद कर रहा है तो कुल मिलाकर कि इसराइल ये चाहता है कि ईरानियन सप्लाई जो है हिजबुल्ला की उसको बंद कर दिया जाए जो मिलिट्री एडवांस है बॉर्डर पे उसको रोका जाए और जो कंटीन्यूस टारगेटिंग किसको कंटिन्यूस टारगेट ईरान की प्रेजेंस को सीरिया में कम से कम करना तो वॉट दीज आर बेसिक एम्स ऑफ योर इसराइल ठीक है ना नो वॉल्टियर लिस्ट अंडर द साइबर स्कीम सेंटर से इस इंफॉर्मेशन कैन बी सॉट डायरेक्टली फ्राम द स्टेट यूनिट अब यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि इसके पास कोई भी सेंट्रलाइज लिस्ट ऑफ वॉल्टियर्स इन रोल्ड अंडर द साइबर क्राइम वॉल्टियर प्रोग्राम नहीं है होम मिनिस्ट्री का कहना है कि इसके पास कोई भी ऐसी लिस्ट नहीं है सेंट्रलाइज लिस्ट नहीं है जिसमें कि वॉलेंटियर्स विचार हुआ इन रोल्ड अंडर द साइबर क्राइम वॉल्टियर प्रोग्राम आर दे आर चूंकि एक स्टेट सब्जेक्ट है जो पुलिस है वो स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए ऐसी कोई भी लिस्ट उनके पास नहीं मैंटेन है साइबर क्राइम ग्रीवेंस पोर्टल देखो अब एक है साइबर क्राइम ग्रीवेंस पोर्टल होम मिनिस्ट्री का पोर्टल है साइबर क्राइम डॉट जी ओ वी डॉट इन इट एम्स टू रेज अ ग्रुप ऑफ साइबर क्राइम वॉलंटियर्स ये क्या करता है एम करता है टू ग्रुप टू रेज अ ग्रुप ऑफ साइबर क्राइम वॉलंटियर्स साइबर क्राइम वॉलंटियर्स की ग्रुप uh, को रेज करने के काम करता है जो content, content कि फ्लैग करेंगे अनलॉफुल कंटेंट कंटेंट को मतलब कि ऑनलाइन अगर कोई

हाँ वॉट हैपन टू आर्मेनियन इन 1915 अब मैंने कल आपको बताया था कि जो बाइडन जो है उन्होंने अभी रिसेंटली आर्मेनियन जिनोसाइड को एक्सेप्ट किया था और कहा था कि हाँ भाई जिनोसाइड किया गया था टर्किश ऑटोमन एम्पायर द्वारा इन 1915 फिफ्टीन टू नाइनटीन तो क्या हुआ था थोड़ा बता दूँ आपको मैं Uh, uh, सबसे पहले हम बात करते हैं जीनोसाइड क्या होता है तो आर्टिकल टू जो है ऑफ यू एन कन्वेंशन ऑन जीनोसाइड दिसंबर 1948 सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि देर इज़ अ यू एन कन्वेंशन ऑन जीनोसाइड दिसंबर 1948 का ये कन्वेंशन है उसका आर्टिकल टू बोलता है कि जीनोसाइड इज़ डिस्क्राइबड एज कैरिंग आउट एक्ट्स इंटेंडेड टू डिस्ट्रॉय इन होल और इन पार्ट अ नेशनल एथनिक रेशियल और रिलीजियस ग्रुप अगर आप पूरी तरीके से या पार्ट्स में किसी नेशनल एथनिक रेशियल या रिलीजियस ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने की बात करते हो सो दैट कम्स अंडर द जीनोसाइड दिस इज आर्टिकल टू ऑफ द यूएन कन्वेंशन ऑन जीनोसाइड ऑफ दिसंबर नाइनटीन फोर्टी एट ठीक है ना Uh, जो ये टर्म जिनोसाइड है ये रफेल लेमिन पॉलिश लॉयर है रफेल लेमकिन ही गेव दिस टर्म जिनोसाइड नाइनटीन फोर्टी थ्री क्वाइन जिनोसाइड जीनोसाइडी नाइनटीन फोर्टी थ्री याद रखेगा बट इन्होंने आर्मेनियंस का प्लस नाजी किलिंग ऑफ ज्यूज का इनको जिनोसाइड का नाम दिया था राफेल लेमकिन ने ही वॉज अ पॉलिश लॉयर ठीक है ना याद रखेगा अब यहाँ पे अगर देखो तो नाइनटीन फोर्टीन में जो पॉपुलेशन थी आर्मेनियंस की वो टू मिलियन थी मतलब क्या चाहिए कि आ, बीस लाख पॉपुलेशन थी ऑटोमन एम्पायर में लेकिन अगर 1922 में आएंगे तो आर्मींस की पॉपुलेशन केवल चार लाख के आसपास बचती है मतलब कि पंद्रह से सोलह लाख लोगों को मारा गया था आर्मेनियस का जीनोसाइड किया गया था ड्यूरिंग द ऑटोमन पीरियड अब इसका रीज़न क्या है रीज़न ये है कि जो ऑटोमन एम्पायर अपनी हार का जो ठीगरा है आ, जो हार हुई थी बैटल ऑफ सारी कामिश Uh, याद रखेगा देर वॉज अ बैटल ऑफ सरी कामिश बिटवीन द ऑटमन एंड द रशियंस बैटल ऑफ सरी कामिश हुई थी क्योंकि टर्की जो था टर्की हेल्पड जर्मनी इन द वॉर वर्ल्ड वॉर वन में टर्की जो था वो जर्मनी के साइड था वॉर में एंड उस कारण से रशिया उसके अगेंस्ट था और रशिया के हाथों बैटल ऑफ सरी कामिश में रशियंस के हाथों बहुत बुरी हार झेलने को मिली थी आ, 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 आर्मेनियंस को एंड टर् क्स ब्लेम्ड द डिफीट ऑन आर्मेनियन ट्रे, ट्रेचरी तो ये जो हार का ठीकरा था वो आर्मेनियस के सर में फोड़ दिया था और इसके बाद पंद्रह से सत्रह के बीच उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोगों को मारा यमन रेवल्स एडवांस ऑन द मारिब तो यहाँ पे यानी हाउदी रेवल्स जो हैं दे आर एडवांसिंग टूवर्ड्स मारिव यह आपको पता होना चाहिए एंड दे है मेड इम्पोर्टेंट गेंस इन द बैटल फॉर द गवर्नमेंट लास्ट नदन लॉस्ट लास्ट नदन स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड अब वो सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं मारिब की तरफ ठीक है ना तो यहाँ पे हाउदी रेवल्स भी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स अचीव करते जा रहे हैं इन द यमन यमेन में आपको बताना है हाउदी रेवल्स हैं यहाँ एच ओ यू टी एच आई हाउदी रेवल्स याद रखेगा सऊदी सिंध की हमेशा लड़ाई चलती रहती है इंडोनेशियन सबमेरीन फाउंड ब्रोकन इन थ्री कल मैंने आपको बताया था के आई नांगला फोर जीरो टू के बारे में जिसमें तिरपन लोग सवार थे और वो डूब गया एंड नाउ दे हैड फाउंड दैट के आई नांगला वॉज डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स और वो उसके पहले लॉस होने से पहले एंड दिस वॉज द थिंग विच वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट वॉज देयर फिफ्टीन पीपल स्पेंड फोर्टी डेज इन केव्स लूज सेंस ऑफ टाइम अब यहाँ पे एक डीप टाइम प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता दूँ इसको लिख लो अपने नोट्स में ऐड कर लो डीप टाइम प्रोजेक्ट कहाँ पर हो रहा है ये फ्रांस में हो रहा है याद रखेगा डीप टाइम प्रोजेक्ट इज बींग हेल्ड इन फ्रांस और वहाँ पर केव है लॉम्ब्रीवस केव लॉम्ब्रीवस केव इन फ्रांस द केव लॉमब्रीव केव इन फ्रांस एंड इस लॉम्बरीज केव जो है फ्रांस में यहाँ पर ये एक टीम थी जिसको चालीस दिनों तक रखा गया आ, बिना किसी लाइट के बिना किसी अलग दूसरी चीज़ के बिना किसी मोबाइल के इन सब चीज़ों के बिना तो लॉम्बरीज के फ्रांस में ये लोग थे चालीस लोग और ना डीप टाइम प्रोजेक्ट के अंदर का जब वो बाहर आए तो उनको मतलब टाइम का फील ही नहीं हो रहा था उनको समझ ही नहीं आ रहा था कितने दिन बीत गए कितने दिन क्या हुआ तो लॉ वहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि जो केव में टाइम है ये थोड़ा स्लो चलता है है ना एंड दिस वाज द थिंग एंड चालीस दिनों तक ये लोग रहे लॉमब्रीज केव में टू बेसिकली डिटरमाएंगे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहता है अगर आप इस तरीके से आइसोलेटर हो Yeah, they have lost the sense of time deep time project long briefscape please make sure you remember these two basic facts taken i hope you will remember them so that is it for the day friends i hope you like uh, our video please do like share and subscribe keep loving us keep sharing us thank you and have a nice day